हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हमने अपनी जो टोपोलॉजी है वो कैसे डिवाइसेस को ट्रैक करना है, उनके दरमियान कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करने हैं, फिर हमने ये देखना है कि उनके दरमियान जो कनेक्शंस हैं उनके जो केबल स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन से यूज़ होते हैं जी। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करते हैं जी, और इसमें हम देखते हैं कि हमारी लैब में क्या चीज़ें हैं जी। फॉर एग्जांपल हम कहें जी कि दो राउटर्स हम ड्रा करते हैं जी यहाँ पर, और उसके साथ हम दो स्विचेस ड्रा कर देते हैं जी, और नीचे हम दो पीसी हर स्विच को डेडिकेट कर देते हैं जी। अब फॉर एग्जांपल ये मेरी एक लैब है और मैं इनके दरमियान अपने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ जी। तो कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो स्विच और पीसी के दरमियान जो हमारा कनेक्शन जिस केबल के जरिए होगा जी, ये देखे जब मैं यहाँ पे कर्सर लेकर आता हूँ तो नीचे मेंशन होता है कि ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है जी। तो मैं यहाँ पर स्विच पे लाता हूँ और मैं कहता हूँ जी पीसी को स्विच की पोर्ट नंबर वन से इसके लाइन कार्ड के साथ क्या कर दे, कनेक्ट कर दे। इसी तरह मैं दोबारा दूसरे पीसी के लिए कनेक्शन स्विच की पोर्ट नंबर टू से इस पीसी के साथ क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा जी। तो बिटवीन स्विच एंड पीसीस के दरमियान जो कनेक्टिविटी होगी वो स्ट्रेट थ्रू केबल से होगी जी। इसी तरह मैं दूसरे स्विच की भी पोर्ट नंबर वन उसके पीसी के साथ क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ जी। इसी तरह हम दूसरे पीसी को भी इस पीसी के साथ क्या कर देते हैं, थ्रू स्ट्रेट थ्रू केबल कनेक्ट कर देते हैं जी। अब हम कनेक्शन करते हैं बिटवीन राउटर एंड स्विच के जी। तो हमें पता है कि राउटर और स्विच के दरमियान भी जो कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होता है वो स्ट्रेट थ्रू केबल से होता है। तो हम राउटर की गिग 0/0 को लेते हैं जी और स्विच की पोर्ट नंबर 24 पे लगा देते हैं जी। जो भी आपकी टोपोलॉजी है, जिस भी पोर्ट के साथ आपने लगाना है, डेफिनेटली वो आपने पहले डिजाइन की होगी, उसका पेपर वर्क किया होगा और अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी टोपोलॉजी को ड्रा करेंगे जी। इसी तरह R1 को भी मैं गिग 0/ को इसके साथ इसकी पोर्ट नंबर 24 के साथ अटैच कर दूंगा जी। तो इस टाइम कनेक्टिविटी हमारी स्विच और पीसी के दरमियान भी होगी जी, हमारी राउटर और स्विच के दरमियान भी कनेक्टिविटी होगी जी। अब कनेक्टिविटी किसके दरमियान आएगी, राउटर टू राउटर जी। तो हमने देखा था केबल स्टैंडर्ड्स के अंदर कि जब हमने राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करनी है तो वो क्रॉस केबल के जरिए करवाते हैं जी। क्रॉस केबल, इसके ये क्रॉस केबल है जी, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसकी गिग 0/1 को R1 की गिग 0/1 के साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ। तो जहाँ तक एक कनेक्टिविटी का ताल्लुक है, बिटवीन राउटर्स आप क्या यूज़ करेंगे, क्रॉस केबल जी। राउटर टू स्विच आप क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रेट केबल जी। और स्विच टू पीसी भी आप क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करेंगे। तो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तमाम डिवाइसेस इस तरह कनेक्ट हो जाएंगी जी।